भारतीय रेलवे ने पहली बार गर्म पानी की आपूर्ति के लिए परवलयिक सौर सांद्रक स्थापित किया है। यह परवलयिक सौर सांद्रक आधारित जल तापन प्रणाली विभिन्न रेलवे घटकों जैसे बोगी फ्रेम, इंजन ब्लॉक, ब्रेक रिगिंग घटकों, विभिन्न रोलिंग स्टॉक के एक्सल बॉक्स को भिगोने और साफ करने के लिए गर्म पानी की आपूर्ति करेगी। भारतीय रेलवे पर्यावरण में सुधार लाने और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विभिन्न पर्यावरण के अनुकूल पहल कर रहा है। ऐसी ही एक अनूठी पहल में दक्षिणी रेलवे की गोल्डन रॉक कार्यशाला ने मौजूदा विद्युत हीटरों के स्थान पर एक परवलयिक सौर संकेंद्रक आधारित जल तापन प्रणाली स्थापित की है, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क में अपनी तरह का पहला है। दक्षिण रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह परवलयिक सौर सांद्रक आधारित जल तापन प्रणाली विभिन्न रेलवे घटकों जैसे बोगी फ्रेम, इंजन ब्लॉक, ब्रेक रिगिंग घटकों, विभिन्न रोलिंग स्टॉक के एक्सल बॉक्स को भिगोने और साफ करने के लिए गर्म पानी की आपूर्ति करेगी। क्षेत्र सौर सांद्रक में 16 मीटर वर्ग क्षेत्र के 6 परवलयिक दर्पण परावर्तक होते हैं, जिन्हें शिफलर सांद्रक कहा जाता है। यह एक निश्चित ऊंचाई पर उनके सामने रखे 6 अलग अलग रिसीवरों पर सूर्य के विकिरण पर केंद्रित है। भंडारण टैंक से पानी के संचलन के लिए रिसीवर और पाइपलाइन आपस में जुड़े हुए हैं, जो थर्मोसाइफन सिद्धांत पर आधारित है। पैराबोलिक सोलर कॉन्सेंट्रेटर आधारित जल तापन प्रणाली विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक 82°C तक पानी को गर्म करने में सक्षम है। इसके अलावा संग्रह टैंक आउटलेट पाइप कनेक्शन में प्रदान किया गया एक संकेतक आउटलेट पानी के तापमान को प्रदर्शित करता है। गर्म पानी से गर्मी के नुकसान से बचने के लिए भंडारण टैंक के साथ साथ पाइपलाइन को कवर करने के लिए उचित इंसुलेशन बनाया गया है। यह इकाई व्यस्ततम अवधि के दौरान केवल सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 10,000 लीटर गर्म पानी की आपूर्ति कर सकती है। इसके अलावा बरसात या बादल के दिनों में गर्म पानी की आपूर्ति के लिए सिस्टम में बैकअप इलेक्ट्रिक हीटर को स्टैंडबाय के रूप में स्थापित किया जाता है। इस प्रणाली की स्थापना से कार्यशाला से लगभग 1.9 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा के साथ साथ प्रति वर्ष 15.27 लाख रुपए की बचत होने की उम्मीद है। साथ ही सिस्टम कार्यशाला को कार्बन फुटप्रिंट में प्रति वर्ष 1,58,410 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हासिल करने की अनुमति देगा। औद्योगिक उपयोग के लिए पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा के दोहन की स्वदेशी अनूठी पहल मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप है।